बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सामने दी हुई है कि हमने प्रूव करना है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यानी कि इसमें 2 टाइम एक्सेलरेशन है और 2 टाइम डिस्टेंस है। तो इसमें हमने फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनमें क्या रिलेशन है, इसको हमने प्रूव करना है। बिल्कुल बाकी इक्वेशंस की तरह इसमें भी हमने स्पीड टाइम ग्राफ को ही इस्तेमाल करना है जो आपको सामने दिखाया हुआ है। तो अब क्योंकि इसमें आपने डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल एरिया को कवर करते हैं कि बॉडी ने कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रेवल किया। तो टोटल एरिया जो है वो ओ ए बी और डी, यानी कि इस मुकम्मल पोर्शन का आपने इस्तेमाल करना है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए वैसे जो डिस्टेंस होता है उसको हम ज़ाहिर करते हैं एस इज इक्वल टू वी टी के बराबर। ये फार्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर विलास्टीज दो हैं, एक इनिशियल है और एक फाइनल है, इस वजह से हम इनकी एवरेज विलास्टी निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला इस विलास्टी जगह पर आपने एवरेज विलास्टी मल्टीप्लाई बाय टाइम ले लेना है। अब एवरेज वेलोसिटी में जैसा कि हमने कहा, किसी चीज़ का एवरेज लेने के लिए जितनी भी चीज़ें हों, जितनी भी वैल्यूज़ हों, उनका सम और टोटल नंबर ऑफ जितनी भी हैं उनको डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है, दो वेलोसिटीज़ हैं, एक हमारे पास फाइनल है और एक इनिशियल वेलोसिटी है, उन दोनों का सम लिखेंगे और उसको दो पर डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख देंगे। अब ये फार्मूला हमारे सामने आ गया कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ग्राफ की मदद से हमने तलाश करना है कि ग्राफ का कौन से वाला हिस्सा इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रहा है, ग्राफ का कौन से वाला हिस्सा हमें फाइनल वेलोसिटी, और इसका कौन से वाला हिस्सा टाइम की नुमाइंदगी कर रहा है। तो अगर हम गौर करें, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि जहां से बॉडी ने चलना शुरू किया ओ से लेकर वी आई तक या ओ से लेकर ए तक वाला हिस्सा जो है वो जहर कर रहा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी को। लिहाजा आप क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू O से लेकर A वाला हिस्सा ये जहर कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। अब ज़रा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जहाँ से बॉडी ने चलना शुरू किया और जहाँ पर जाके ये रुक गया वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो अब फाइनल वेलोसिटी V F के सामने क्या आ रहा है B और O के सामने क्या आ रहा है D, अगर हम इसको टोटल को मिलाएं यानी कि B से लेकर डी तक वाला सारा हिस्सा ये हमें फाइनल वेलोसिटी दे रहा है। तो अब इस फाइनल वेलोसिटी की जगह पर आप लिख देंगे बी डी डिवाइडेड बाय टू लिख देंगे। अब आते हैं टाइम पर, अब टाइम वाला हिस्सा कौन सा जाहिर करें, साथ ही हम इस टोटल एरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ए सी वाली लाइन भी टाइम को जाहिर कर रही है और ओ डी वाली लाइन भी टाइम को जाहिर कर रही है, क्योंकि हमने टोटल एरिया का इस्तेमाल किया तो टाइम की जगह पर आप लगा देंगे ओ डी। इस तरीके से ये हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ कि एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय ओ डी आ जाएगा। अब यहां पर फार्मूले को साथ साथ गौर करते जाएं कि हमें लिखा हुआ है कि टू ए एस, सबसे पहले आप टू को यहां डिवाइड जो हो रहा है इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दो, तो यह बन जाएगा टू एस, बाकी बन जाएगी ओ ए प्लस आ जाएगा बी डी, फिर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देता हूं तो ये बन जाएगा ओ डी आ जाएगा। अब फार्मूले में गौर करें, जो हमारी इक्वेशन है वहां पर एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। अब इस ग्राफ में से हमने निकालना है कि एक्सेलरेशन कौन सा बन रहा है। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है वो जहर कर रहा है बी सी ओवर ओ डी के साथ, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है।
तो अब एक्सलरेशन को यहां पर लगाने के लिए अब दोनों साइड पर जो एक्सलरेशन की वैल्यू है यानी कि बी सी ओवर ओ डी, इनको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि बाई मल्टीप्लाइंग बी सी ओवर ओ डी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर बी सी ओवर ओ डी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब सबसे पहले आते हैं टू एस, वैसे का वैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ डी यानी कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूं। उसके बाद ये सारा का सारा हिस्सा आपने वैसे का वैसे ही लिखना है, जस्ट आपने बी सी ओवर ओ डी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा ओ ए प्लस आ रहा है बी डी, बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी और इसके साथ आ जाएगा बी सी ओवर ओ डी आ जाएगा। अब इसमें से देखें बी सी ओवर ओ डी में ओ डी के साथ ओ डी कैंसिल हो गया। अब बी सी ओवर ओ डी की जो वैल्यू है हमने जिसको एक्सेलरेशन का नाम दिया हुआ है वहां पर इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय उसका सिंबल समाल ए लिख दें तो ये बन जाएगा टू, फिर ये बन जाएगा एस और इसकी जगह पर हम क्या लेकर लेते हैं ए, ये बन जाएगा ओ ए प्लस बी डी और ये कटने के बाद हमारे पास बाकी जो बच गया चेंज इन वेलोसिटी जो कि बी सी आ रहा है। अब इसको मैं तरतीब लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा टू, फिर ये बन जाएगा ए और ये बन जाएगा एस और इधर से आ जाएगा ओ ए प्लस का बन जाएगा बी डी, क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी में है फाइनल माइनस इनिशियल तो ये बन जाएगा बी डी माइनस आ जाएगा ओ ए के बराबर। अब प्लस के रूल के मुताबिक इनकी जगह को चेंज किया जा सकता है तो ये बन जाएगा टू ए एस इज इक्वल टू बी डी को पहले लिख लेता हूँ, प्लस क्या बन जाएगा ओ ए इज इक्वल टू बन जाएगा बी डी माइनस का क्या बन जाएगा ओ ए। अब फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और एक माइनस बी वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी से में देखें बी डी की वो ए की जगह पर आ रहा है जबकि ओ ए जो है वो बी की जगह पर आ रहा है तो फार्मूला इनक्लोज कर देते हैं, यहां पर लिख दें वैल्यू के बी डी जो है वो है वी एफ जबकि ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है तो इनमें वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई इंटू बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई। फार्मूले मुताबिक इसको क्लोज कर देता हूं तो ये बन जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा। ये प्रूव हो गया है, आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।